जिला श्री फतेहगढ़ साहिब के सिविल हस्पताल विखे पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह चौड़ामाचरा पहुंचे ने ते चौड़ामाचरा ने निजी हस्पतालों नूं चेतावनी दिंदे हुए कहा कि जेड़े हस्पताल आयुष्मान कार्डां तों उपर इलाज करन तों इनकार कर रहे ने उन्हां खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दस दें कि चौड़ामाचरा सिविल हस्पताल विखे अधिकारियों के नाल मीटिंग करन दे लई पहुंचे हुए सन ते जिस दौरान उन्होंने एक समाज सेवक वालों जो हस्पताल नूं एसी भेट किए गए से वह भी अधिकारियों के सपुरद किए ने। चार एसी ने जिहड़े सिविल हॉस्पिटल जिहड़ा फतेहगढ़ साहिब सरहंद है जिहड़ा उत्थे डोनेट किए ने। सो असी इन्हां दा भी और साढ़े एम एल ए साहब राय साहब और साढ़े एम एल ए सोढ़ साहब असी उरे आएंगे और इन्हां नूं धन्नवाद भी करदे इन्हां दा जिन्हां ने लोकां दीआं मुश्किलां नूं देखदे हो क्योंकि पक्षियां नाल थोड़ी गर्मी का तुहानूं पता ही है वधिया है। सो कई चीज़ां ने जिथे लोड़ है सो इन्हां ने सेवा कीती है सो इन्हां दा असी धन्नवाद। मंत्री साहब मुहल्ला क्लिनिकां दा जिहड़ा की चल रहा चक्कर काफ़ी डॉक्टर जिहड़े ने ओह उत्थों छड्ड के जा रहे ने किहड़े डॉक्टर छड्ड के जा रहे ने काफ़ी जगह तों रोज़ डॉक्टर जा रहे ने। मैं बेनती करदा सर एक डॉक्टर जिहड़ा हैगा इधरों रोपड़ बनियो वो डॉक्टर नूं एम डी च एडमिशन मिल गई उन्होंने छड्डा देखो उन्होंने जायज बनता से बहुत सारे बच्चे यह जिन्हें जिहड़े अगे एडमिशन अगे पढ़ना चाहते हैं कोई एम बी बी एस करके ये नहीं भी उत्थे रुक गया उन्होंने अगे भी वधना एम डी करनी है उस तो अगे भी वधना। सो इस करके जिन्हों एडमिशन मिल गई उन्होंने जाना चाहिए अगर वधना चाहिए सो यह जी कोई गल नहीं है। साढ़े जो कोई किसी ने इस्तीफा दिता तो बैक तो ऑलरेडी डॉक्टर है ये नहीं भी है उन्होंने खाली छड़ दिता जाऊगा सगो बहुत सारा जिहड़ा है रिजल्ट दस दिन जिहड़ा ये आया 50,000 के करीब जी ओ पी डी है असी 10 दिन जी पंजाब की जिहड़ा नेड़े तेड़े 5,000 के आस पास जिहड़े टैस्ट आ वह किए गए। सो बहुत बड़ी आम लोगों का जिहड़ा है आम आदमी क्लीनिक दे नाल जिहड़ा फायदा होया आने वाले समय के होर भी देखोगे जिहड़ा सेहत सहूलत ने उन्हां च जिहड़े पंजाब के लोगों को होर भी बहुत कुछ मिले। सर एक आयुष्मान जिहड़े कार्ड बनाए थे उन्होंने रिकवरी नहीं मतलब कि पैसे नहीं दिते गए वह बंद ने मतलब कि चल नहीं रहे हैं सर असी पैसे वो रिलीज करते सर उन्होंने कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं चला रहा वो गौर करें।